सबके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप चाहे किसी से भी कराओ, चाहे थोड़ा बहुत पैसा लगाओ, लेकिन डिजाइन बनवाओ। क्योंकि आज ये फील्ड में रिक्वायरमेंट बहुत है, डिजाइन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट हर एक कंपनी के अंदर है, तो बट उसमें डिजाइन क्वालिटी डिजाइन इंजीनियर मिल पाना मुश्किल है। टेक्निकल सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए यू शुड बी नो द सॉफ्टवेयर वेरी वेल। ओके, ये जो सोलारियस पीवी सॉफ्टवेयर है सर, वो 40,000, 40,000 रुपए वी आर गिविंग विद द ट्रेनिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सोलर सन द सोल ऑफ ऑल एनर्जी। तो आज हम लोग फिर से एक नया पॉडकास्ट करने वाले हैं और इसी पॉडकास्ट में हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और सॉफ्टवेयर में आगे क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में भी आपको आइडिया लगेगा। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट है मिस्टर राजेश सर, जो कि हॉराइजन टेक्नोलॉजीज का फाउंडर है, सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सोलर रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ड्राइंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर, इन सारे सॉफ्टवेयर के लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो आप राजेश जी से लाइसेंस ले सकते हो। अलोंग विद दैट, राजेश जी स्पेशलाइज्ड डिजाइनर भी हैं जो कि खुद सॉफ्टवेयर पे डिजाइन भी कर सकते हैं। आज इस सेशन में हम लोग एक डिजाइन भी करके देखेंगे कैसे डिजाइन होता है और कैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में डिजाइन किया जाता है। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस राजेश सर। हेलो राजेश सर, जस्ट अ मिनट। सो हेलो राजेश सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी थैंक्स दैट यू हैव गिवन योर टाइम टू अस दैट फॉर अ डिस्कशन ऑन सोलर डिजाइन एंड हाउ द सोलर डिजाइन सेक्टर इज ग्रोइंग। सो आई वॉन्ट यस टू नो लॉट मोर फ्रॉम यू अबाउट द सोलर डिजाइन एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर विच इज गोइंग इन द इंडस्ट्री। सो पहले हम इस पे जाने से पहले आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं कि हॉराइजन टेक्नोलॉजीज का शुरुआत कैसे हुआ और आप कैसे इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू लोगों की मदद कर रहे हो। सो हेलो गाइस, लेट मी गिव यू फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ राजेश सोनग्रा। I just completed my BTech in mechanical engineering, basically. Okay, and after that, I just started my journey as a design engineer by designing the mechanical designs of SolidWorks software by using the SolidWorks software. So, उसमें मैं मतलब I have the vast experience into the SolidWorks basically. So after that, 2040, we about to think like we need to start our company into this particular field only basically. तो 2014 से हमने हॉरिजॉन कैट सॉल्यूशन के नाम से कंपनी स्टार्ट की थी। आफ्टर दैट इट विल बी वेंट फॉर हॉरिजॉन टेक्नोलॉजीज, क्योंकि उसके अंदर अभी हम बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, बट अवर मेन फोर्टे इज फॉर टेक्निकल सॉफ्टवेयर ओनली। जैसे कि वी आर मेनली डीलिंग टू द कैड कैम और के सॉफ्टवेयर। ओके, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो अनदर सेक्टर वी आर डीलिंग विद द सोलार प्रोजेक्ट डिजाइन सॉफ्टवेयर। ये सभी कैटेगरी के जो सॉफ्टवेयर्स है जनरली वो हम ऑथोराइज पार्टनर है। वी आर इज द पार्टनर ऑफ ऑटोडेस्क, वी आर इज द पार्टनर ऑफ ट्रिम्बल, वी आर इज द पार्टनर ऑफ सीमेंस, वी आर इज द पार्टनर ऑफ हेक्सागॉन, वी आर इज द पार्टनर ऑफ अक्का सॉफ्टवेयर। ओके, दीज आर द मल्टीपल कंपनीज वी आर बेसिकली पार्टनर एंड वी आर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस फॉर पान इंडिया एंड into the particular region only basically. So this is our main company introduction. We doing this kind of things in our company. So got it. So it's a great journey that you being a designer and now you are selling the software. Yes. So it's a Because technical software sell करने के लिए you should be know the software very well. Okay, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी कंपनी कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेगी, अगर आपको सॉफ्टवेयर का डिटेल नॉलेज होगा नहीं बेसिकली, सो यू कांट राइट आंसर द सॉफ्टवेयर। क्योंकि कोई भी कैड या फिर टेक्निकल सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए यू शुड बी हैव द बैकग्राउंड। ओके, सो दैट इज द ओके रीजन ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर आई नो एंड आई डिजाइन द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। आई लाइक डिजाइन ईच एंड एवरी कैटेगरी लाइक सोलार मैकेनिकल एंड दैट इज द मेन थिंग एंड इट्स बीन अ 10 years, 1 decade हैज बीन कंप्लीटेड। Wow, that's a great thing that I want to congratulate you on that. Yes. So first of all, I want to understand that how the different software is playing role in solar. जैसे आप Yes. बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे डील कर रहे हैं, कैड कैम पे डील कर रहे हैं, स्केचअप पे कर रहे हैं आप,
और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सोलर में डिजाइन में अपॉर्चुनिटीज कैसा है, या फिर डिजाइन सॉफ्टवेयर क्या लोग आज के डेट पे खरीद रहे हैं, और इससे क्या आपको लग रहा है कि आगे जाके सोलर मार्केट ग्रो होगा? आपको आपका क्या थॉट है इस पे? सो डेफिनेटली सोलर मार्केट वी बोथ आर बीन एग्जाम्पल फॉर लास्ट 10 ईयर्स बेसिकली. ओके, ग्रोइंग डे बाय डे और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स एवरी ईयर वो ग्रो हो जाता है. आज जो मार्केट है वो नेक्स्ट ईयर इससे 3 गुना बढ़ जा रहा है. तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मार्केट बढ़ने वाला है और आगे जाके इट्स गोइंग ऑन लाइक इंक्रीमेंट ऑन द प्रोडक्शन लेवल, ऑल्सो इट्स गोइंग ऑन द इंस्टॉलेशन लेवल. हर एक लेवल के ऊपर ये पर्टिकुलर सेगमेंट बढ़ रहा है. ठीक है, और पहले तो लोग ये कॉस्टलियर था, अभी गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह सब कुछ दे रही है, बहुत ज्यादा सब्सिडीज ऑफर कर रही है, तो उसकी वजह से इंस्टॉलेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है. ठीक और इट्स बीन अ 10 ईयर आई हैव दिस एक्सपीरियंस, और उसके अंदर मेरा ये मानना है बेसिकली कि जो पर्टिकुलर डिजाइन सेगमेंट है सोलर का वो भी डे बाय डे ग्रो हो रहा है. और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है डिजाइन इंजीनियर की बेसिकली, क्योंकि आज ये फील्ड में रिक्वायरमेंट बहुत है. डिजाइन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट हर एक कंपनी के अंदर है. ओके, तो बट उसमें डिजाइन क्वालिटी डिजाइन इंजीनियर मिल पाना मुश्किल है. वो लोग क्या करते हैं जनरली कि जो अपना कोई रेगुलर बंदा है उसी को ही सॉफ्टवेयर सिखाने लग जाते हैं बेसिकली, बट वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि इसका एक आपको प्रॉपर कोर्स करना पड़ता है बेसिकली, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कैसे करना करता है. तो जनरली सोलर सेगमेंट के अंदर 4 सॉफ्टवेयर मैंने देखा है मोस्ट प्रोबेबली लोग यूज करते हैं. फॉर 2D डिजाइन ऑटोकैड वो लोग यूज करते हैं बेसिकली, हाउ टू लाइक क्राफ्ट द डिजाइन, मतलब 2D लेआउट उसका कैसे रेडी होगा वो सब चीजें आप ऑटोकैड के अंदर कर सकते हो. और 3D डिजाइन मतलब उसका एक स्ट्रक्चर बनाना है, 3D मॉडल बनाना है मुझे बेसिकली, उसके ऊपर पैनल कैसे लगेगा, वो स्ट्रक्चर कैसे लगेगा, हाउ इट्स लुक लाइक राइट बेसिकली. तो उसके लिए लोग जनरली स्केचअप यूज करते हैं. उसके बाद उसका एक टेक्निकल कैलकुलेशन रहता है कि जैसे समझो आज हमको एक 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट एक साइट के ऊपर लगाना है बेसिकली, तो उसके लिए क्या जनरेशन मिलेगा, आवरली जनरेशन क्या होगा, मंथली जनरेशन क्या होगा, ईयरली जनरेशन क्या होगा, कितने साल में मेरा ROI निकल जाएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सब कैलकुलेशन के लिए लोग जनरली PVSyst करके सॉफ्टवेयर आता है वो लोग यूज करते हैं बेसिकली. ओके, सो फॉर द फाइनेंशियल कैलकुलेशन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मेरा आज मैंने 10 लाख रुपए डाला है तो वो कितने साल में रिटर्न हो जाएगा और आफ्टर 25 ईयर मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, वो सब जनरली लोग एक्सेल कैलकुलेशन करते हैं. सो दिस इज द फॉर सॉफ्टवेयर बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली यूज इन पर्टिकुलर सोलर इंडस्ट्री. ओके, और हर एक सॉफ्टवेयर के लिए हर एक डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर चाहिए, या फिर एक एक इंजीनियर ये सब चीज कर पाता है देन दे डेफिनेटली गेट द हायर सैलरी ऑन द पर्टिकुलर सैलरी साइड पे. हाँ, जो कि आज के डेट में मतलब मोस्टली सोलर डिजाइन इंजीनियर जब हम बोलते हैं तो उनको ये सारे सॉफ्टवेयर आना चाहिए, यस अदरवाइज अदरवाइज उनका डेफिनेटली जॉब रोल डिफाइन नहीं होता है। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी आज EPC कंपनी है सर, वो उतना बजट लेके नहीं बैठेगी कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए 4 लोगों को बिठाएगी बेसिकली. उसके पास एक लिमिटेड बजट है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, और क्योंकि इसके सबके लाइसेंस भी लेना पड़ता है सॉफ्टवेयर के, ठीक है बेसिकली, क्योंकि आज एक कमर्शियल बिजनेस हम जब कर रहे हैं देन यू शुड यूज द लाइसेंस वर्जन, दैट इज द कंपलसरी रूल्स बेसिकली. तो वो सब जब कॉस्ट आती है देन दैट्स अ कॉस्टलियर पार्ट बेसिकली. तो इसीलिए जनरली लोग क्या प्रिफर करते हैं कि एक ही इंजीनियर को ये सब कुछ आना चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए 3 लोगों का सैलरी भी बच जाता है, ऑल्सो दे कैन प्रोवाइड यू दैट पर्टिकुलर इंजीनियर मोर सैलरी, उसको ज्यादा सैलरी दे सकते हैं वो लोग बेसिकली, ठीक है. हाँ और हाँ वो एक इंजीनियर पर्टिकुलरली सभी सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग कोर्सेज करके आना चाहिए, ऑटोकैड स्केचअप PVSyst सब कुछ सीख, और उसका एक सर्टिफाइड कोर्स होता है बेसिकली, वो सर्टिफाइड कोर्स वो करके जब आएगा तो वो सब लोग इंडस्ट्री में वैलिड मानते हैं, मतलब दैट इज द डिजाइन पार्ट बेसिकली वो सब लोगों को. और मैं जितने भी इस फील्ड में आने वाले लोग हैं, ठीक है, एज ए डिजाइन इंजीनियर के तौर पे, ये बहुत बड़ा मार्केट है और ये डे बाय डे इंक्रीज होने वाला है और डे बाय डे बढ़ने ही वाला है. तो आप जब भी आओ ये पर्टिकुलर कोर्सेज सीख कर आओ तो यू शुड बी अ ग्रेटर चांस टू गेट द बेटर जॉब. दैट्स ट्रू, दैट्स टोटली आई एग्री, एंड उसके लिए हम भी यस इतना सिखाते हैं लोगों को हमारे चैनल पे, हमारे ट्रेनिंग के थ्रू हम यही कोशिश करते हैं कि लोगों को अगर हम अच्छे से ट्रेन कर पाए, इफ यू नो द सॉफ्टवेयर देन अगर आप किसी भी जगह पे जाओगे आप काम कर पाओगे डायरेक्टली।
और यस यस हम ऐसे भी इंडस्ट्री रेडी कैंडिडेट्स भी तैयार करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में. सो वेरी दैट गुड इज अ डिफरेंट इनिशिएटिव्स पार्ट. आर दैट. यस यस. सो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. बट मैं मुझे जो लर्निंग मिला है वो मैं आगे लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ताकि वो लोग आगे लेके जा पाए अपने स्किल सेट को. दैट इज आवर मोटो. बट ये अच्छा लगा कि आपको भी लगता है कि आगे ये ग्रो होने वाला है, बिकॉज आप जब इस चीज को यूज कर रहे हो. सो अभी मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि जो भी सोलर में सॉफ्टवेयर जो भी यूज होता है उनका एक बेस होता है, आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना होता है. अगर आप वही बेस को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो बाकी मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो भी यूज होता है सबको सबका आपके पास एक आइडिया आ जाता है. तो आज हम लोग राजेश जी से भी कुछ नया सॉफ्टवेयर सीखेंगे. जैसे हम लोगों को मोस्ट ऑफ द सोलर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आप सबको तो पीवीसी, स्टॉटोकैड, स्केचअप, इनके बारे में पता ही है. बट इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर है सर जो मतलब एक साथ मुझे तीनों चीजों करके दे दे, या फिर एक साथ मेरा काम का जो प्रोसेस है जहां पे मैं तीन सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं उस प्रोसेस को रिड्यूस कर पाए? डेफिनेटली मार्केट में अभी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं. बेसिकली वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फोर सॉफ्टवेयर. इसके अंदर ऑटोकैड, स्केचअप, पीवीसीस्ट और एक्सेल सीट का कॉम्बिनेशन बनके एक सॉफ्टवेयर बन गया. सो मोस्ट प्रोबेबली वी आर डीलिंग वन सॉफ्टवेयर व्हिच इज अ सोलारियस पीवी. सो इट इज ऑल इन वन सॉल्यूशन. बट इसके लिए बेस वही है कि आपको पहले थोड़ा बेसिक ऑटोकैड और स्केचअप का नॉलेज होना चाहिए. तभी आप ये सॉफ्टवेयर बहुत इजीली यूज कर पाओगे. बेसिकली नहीं होगा तो भी चलेगा, बट उसमें क्या आपको थोड़ा प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा उसका, जैसे आप ऑटोकैड और स्केचअप का ट्रेनिंग लेते हो. ठीक है बेसिकली. तो इट्स अगेन आई वांट टू लाइक से दिस वर्ड कि आप बहुत अच्छा अभी एक इनिशिएटिव लेकर चल रहे हो बेसिकली, कि जहां पर आप ट्रेनिंग और ये कोर्सेस वगैरह आपने स्टार्ट किया है. ठीक है, क्योंकि पहले लोग जब इस इंडस्ट्री में आना चाहते थे बट दे डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज लाइक हाउ टू डिजाइन द प्रोजेक्ट. और आप पर्टिकुलर सोलर बेस्ड ट्रेनिंग करवाते हो, सो दैट इज अ वेरी गुड पार्ट. तो वो आज का अगर मैं देखूं 5 साल बिहाइंड टू माय बैक साइड राइट बेसिकली, तो तब ऐसा कोई चीज थी नहीं, थी क्योंकि नहीं, ये राइट. इंडस्ट्री का लास्ट 10 ईयर से देख रहा हूँ. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है ये सब कुछ सीख के अगर आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सोलारिस भी सीख जाते हो बेसिकली. ठीक है, तो जिसके अंदर आप सर 2D 3D टेक्निकल कैलकुलेशन, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, शैडो एनालिसिस सभी चीजें एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो. और एक बीम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग जिसको बोलते हैं. तो उसके ऊपर एक बेस है जहां पर आप 2D क्रिएट करते हो तो 3D वो अपने आप क्रिएट करता है, बिकॉज इट्स अ पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी. जहां पर 3D क्रिएट करते हो वो तो 3D 2D को भी इफेक्ट करता है. मतलब इट्स बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर. 2D बनाओगे तो वो 3D को इफेक्ट करेगा और 3D बनाओगे तो 2D को इफेक्ट करेगा. तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली आपके चारों सॉफ्टवेयर एक साथ चलते हैं, 2D 3D टेक्निकल कैलकुलेशन और फाइनेंशियल कैलकुलेशन. ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है सोलारियस पीवी, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन राइट नाउ फॉर द इंडस्ट्री टू क्रिएट द डिटेल्ड प्रोजेक्ट बेसिकली. ओके, कोई भी कंपनी को डिटेल्ड रिजल्ट चाहिए कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरा 100 किलोवाट का है या फिर 10 किलोवाट का है, उसका एक टेक्निकल टोटल कैलकुलेशन क्या होगा, क्या जनरेशन होगा, क्या पर मिनट जनरेशन होगा, क्या पर आवर जनरेशन होगा, कब मुझे टोटल क्या, कौन से मंथ में ज्यादा मिलेगा, कौन से मंथ में कम मिलेगा, वो पूरा कैलकुलेशन इस सॉफ्टवेयर के अंदर होता है. तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द सोलारिस पीवी. उसका हम डेफिनेटली एक सीरीज स्टार्ट करेंगे टू लाइक डिजाइन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बट अभी हम जस्ट डिस्कशन फेज में है तो अभी डिस्कस ही कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है, तो इसका मैं एक चीज एक दो बार ट्राई भी किया है, और मेरा कुछ वीडियोस भी है सोलरिस यस पीवी के ऊपर. राजेश सर के दौलत भी मैंने किया था. एक्चुअली मैंने सर से लर्निंग लिया था और उसके बाद मैंने दिखाया था कुछ प्रोजेक्ट का डिजाइन. सो मुझे भी लगा था कि ये कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन है कंबाइंड सॉफ्टवेयर का. तो हम वही चाहते हैं कि जो लोगों को पीवीसी स्केचअप ऑलरेडी आता है तो वो लोग ये सॉफ्टवेयर को एज ए ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट ओनली मतलब सिर्फ सोलर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, होता है ये सोलरियस पीवी है, बट ये बीम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है जो कि वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी है. जो मतलब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल जो होता है BIM, तो
तो BIM हर एक प्रोजेक्ट में ही यूज होता है, जो भी कंस्ट्रक्शनल प्रोजेक्ट होता है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव भी दे सकता है, और कैलकुलेशन के तौर पे भी जो आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं दूसरे सॉफ्टवेयर से बेहतर है। नाउ इसमें अगर सोलरियस पीवी का मैं बात करूं, तो आपको क्या लगता है ये कितना इजी है, रादर देन गोइंग फॉर स्केचअप, ऑटोकैड, पीवीसी, सारे सॉफ्टवेयर को करने के पर्सपेक्टिव से ये कितना इजी आपको लगता है ये वाला पार्ट? सर देखो, कोई भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर में ये नहीं बोलूंगा कि इजी होता है, ठीक है। टेक्निकल तभी होता है जब वो इजी नहीं होता है, और हाँ तभी वो इंजीनियर का वैल्यू बनता है, ठीक है, जब वो टेक्निकल सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने लगता है। तो इसको ये डेफिनेटली इट्स अ वेरी इजी टू यूज द सॉफ्टवेयर। बेसिकली वो स्केचअप 3D, उसका जो मॉडलिंग है वो स्केचअप की तरह ही वर्क करता है। 2D जो उसका मॉडलिंग है वो ऑटोकैड की तरह ही वर्क करता है। बट आपको वो प्रोसेस अंडरस्टूड करना पड़ता है कि वो 2D में से वो 3D में कैसे इफेक्ट लेता है, ठीक है। और इट 3D में से वो 2D में कैसे इफेक्ट लेता है। तो वो अगर आप एक बार प्रोसेस समझ गए, देन यू शुड बी द परफेक्ट डिजाइनर फॉर द सोलारिस, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको बेसिक एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, चाहे आप ऑटोकैड ले लो या स्केचअप ले लो या फिर कोई ऑल आर द टेक्निकल सॉफ्टवेयर, दे वाला नॉट इजी बेसिकली। उसका आपको एक प्रोसेस अंडरस्टूड करना पड़ता है, ठीक है, कि क्या किस तरीके से वर्क करता है। तो सेम सोलारियस पीवी का है कि सर, सोलारियस पीवी अगर आप एक बार अंडरस्टूड कर गए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है इसमें। आप दूसरा चीज, आप जब ये चार सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट डिजाइन करते हो, ठीक है, तो इट्स टेक फॉर, मतलब एक प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए आपको 4 घंटा लगता है, और सेम प्रोजेक्ट आपको सोलारियस पीवी में डिजाइन करने में 1 घंटा लगेगा, और रिजल्ट आपको आउटपुट दोनों का सेम ही मिलेगा। दैट इज द मेन एडवांटेज कि ये सभी चीजें एक साथ लेकर चलता है, 2D, 3D, टेक्निकल कैलकुलेशन और फाइनेंशियल। तो वहां पर क्या है कि आपका टाइम का जो मैनेजमेंट है, और आपको कोई जनरली प्रोजेक्ट डिजाइन में क्या होता है, जैसे सोलर डिजाइन के डिजाइनर के तौर पे आप काम करते हो, तो जनरली जो मेन मैनेजमेंट है वो वही मांगता रहता है कि भाई आज 10 प्रोजेक्ट आ गए, आप जल्दी से डिजाइन करके दे दो दे दो दे दो, राइट। बट वो आप जब ये चारों सॉफ्टवेयर में डिजाइन करने के लिए जाते हो, तो आपको 10 प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए डेफिनेटली 1 महीना लगने वाला है। बट जब इस सॉफ्टवेयर में आप डिजाइन करते हो, तो वो 10 के 10 प्रोजेक्ट आप 1 वीक में कंप्लीट फाइनल सॉल्यूशन के साथ उसको डिजाइन करके मैनेजमेंट को दे सकते हो, और योर मैनेजमेंट शुड बी हैप्पी लाइक आई गेट द बेस्ट डिजाइनर, और वहां पर आपका वैल्यू बढ़ जाता है एज अ डिजाइनर के तौर पर। गॉट योर पॉइंट। मीन्स एक्चुअली ये कहीं ना कहीं आपका मेहनत और टाइम को बहुत बहुत हद तक कम कर रहा है, और जो कि आपके मोस्टली आज के डेट पे जितने भी सोलर ईपीसी कंपनीज है उनके पास जो भी ऑर्डर का क्वायरी आता है, जितना जल्दी आप डिजाइन के सबमिट करोगे उस हिसाब से आपका ऑर्डर बुक भी होगा। आपको फाइनली वो ऑर्डर तभी मिलेगा जब आप जितना जल्दी आप डिजाइन और टेक्नो कमर्शियल प्रपोजल डालोगे। फर्स्ट मोर एडवांटेज है सर, जो जल्दी जितना 3D डिजाइन सबमिट करवाएगा, क्योंकि सामने वाला बंदा तो नॉन टेक्निकल है। आज मेरे को मेरे घर के ऊपर सोलर लगवाना है, ठीक है, बट मुझे कुछ भी नहीं पता है कि वो लगने के बाद कैसा लगेगा, मतलब वहां पर सोलर इंस्टॉलेशन के बाद वो कैसा लगेगा। बट वो पिक्चर अगर मैं एज ए ईपीसी के तौर पे वो कस्टमर को पहले ही दिखा दूं कि सर ये लगने के बाद ऐसा लगेगा, आपका बिल्डिंग ऐसा लगेगा, इस तरीके से इंस्टॉलेशन होगा, और यहाँ पर ये इन्वर्टर, ACDB, DCDB सब चीजें आएगी, और इस तरीके से आपको टोटल जनरेशन मिलेगा, देन यू गेट द बेस्ट एडवांटेज टू गेट द ऑर्डर, ठीक है, बिकॉज क्योंकि बिकॉज द बाकी क्लाइंट ऑर्डर कैन विजुअलाइज द थिंग के यहाँ पे ये यस चीजें ऐसे लगने वाला है, तो यस उनको यस उनको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि चलो यार इन लोगों ने इंजीनियरिंग भी करके दिया है मेरे लिए, मेरे राइट प्रोजेक्ट के राइट लिए। तो सर राइट वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट लाता है आपका ऑर्डर ऑर्डर क्लोज करने में, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब आज के डेट पे जितने भी ईपीसी लोग छोटे छोटे मोटे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सबके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप चाहे किसी से भी कराओ, चाहे थोड़ा बहुत पैसा लगाओ, लेकिन डिजाइन बनवाओ, बिकॉज विदाउट डिजाइन आप कोई इंजीनियरिंग का काम नहीं करवा सकते हो, चाहे वो 1 किलोवाट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट हो, डजेंट सही मैटर। बात क्योंकि है। क्योंकि बाद में आज से 5 साल बाद अगर आप उस सिस्टम में कुछ इश्यू आए और वो कंज्यूमर आके आपको पकड़े कि आप मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उनको कोई जवाब नहीं दे सकते हो, बिकॉज यू डोंट हैव एनी डेटा, आपके राइट सर पास कोई डेटा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है,
कि कैसे लगाया गया था, किस हिसाब से लगाया गया था। सो दैट इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस सर। एंड मैं यस सर, चाहता हूं कि हम सोलरियस पीवी के ऊपर एक पूरा ट्रेनिंग सीरीज बनाए। मैं चाहता हूं कि आप एक एक प्रोजेक्ट का डेमो हमें दिखाए, जहां पे एक छोटा प्रोजेक्ट हम देखे कि कैसे यहाँ पे काम होता है, बिकॉज आई नो द सॉफ्टवेयर वेरी वेल, बिकॉज आई हैव डन सम प्रोजेक्ट विद दैट। बट मैं चाहता हूं कि आप जैसे बहुत मेरे से बेटर एक्सपर्ट हो इसमें, मैं स्केचअप में शायद मैं आपसे बेहतर कर पाऊंगा, लेकिन ये मेरा एक्सपर्टाइज एरिया नहीं है, तो मैं इस डेफिनेटली पे सिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा बिलीव है जो मैं जानता हूँ वही मैं सिखा सकता हूँ, जो मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ वो मैं नहीं सिखा सकता हूँ। तो जब मुझे कॉन्फिडेंस होता है तो ही मैं सिखाता हूँ कोई भी चीज। तो आज मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि ये सोलरियस पीवी को हम कैसे यूज कर सकते हैं और किस तरीके से इसमें डिजाइन बनाया जाता है। तो एक छोटा प्रोजेक्ट अगर आप इसी पॉडकास्ट में दिखा दे हमें, तो मुझे लगता है ऑडियंस को भी और बेटर क्लैरिटी मिलेगा। यस सर, श्योर। मैं एक यहाँ पर थोड़ा सर चेंज करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं रादर देन आपको अभी प्रोजेक्ट डिजाइन करने में ना जाके, एक मेरे पास एक बहुत डिटेल अच्छा सा वीडियो है छोटा सा, उसमें मैंने प्रोजेक्ट पूरा डिजाइन करके कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है पूरा, ठीक है। मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा, आपको तुरंत पूरा आइडिया आ जाएगा कि कैसे सॉफ्टवेयर में काम होता है। उसके बाद हम जाएंगे डिटेल प्रोजेक्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं बेसिकली, ठीक नो है। इशू, और उसमें नो इशू। आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा। और दूसरा चीज, जैसे आपने अभी बताया, एक पॉइंट आपने बोला, मैं पर्टिकुलरली हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे कि एंड यूजर को पता नहीं है कि सर सोलर इंस्टॉलेशन कैसे होने वाला है, लगने कैसे वाला है, राइट। और उसी लिए आपको डिजाइन करवाना ही चाहिए बेसिकली। और आज की डेट में कोई भी ईपीसी हो, उसको कोई भी कहीं पर भी वो ऑर्डर के लिए जाता है, तो कोई भी कस्टमर 3D उसका मांगता ही है कि भाई हमको 3D चाहिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल बंदा है, उसको कुछ भी नहीं पता है कि इंस्टॉलेशन कैसे होने वाला है, ठीक राइट है। राइट तो उससे दो बेनिफिट होते हैं जनरली सर। मैंने देखा हुआ है कि सोलर के अंदर इंस्टॉलेशन के बाद दो ही प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर उसने डिजाइन नहीं किया होगा, तो वो उसका इंस्टॉलर बंदा होगा, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एंगल सेट लगा करके आ देगा। जाएगा, यस, ठीक है। और दूसरा, वो उसका वायरिंग जो MPPT और स्ट्रिंग डिजाइन होता है, उसका एक कैलकुलेशन होता है प्रॉपर, ठीक है। ऐसे ही आप नहीं, तो वो भी अपने एक्सपीरियंस के ऊपर करके आ जाएगा, बट वो हर जगह पे उस तरीके से नहीं होता है। इट्स बीन अ डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी साइज, ठीक है। तो वो एकदम जो टोटली एंगल अग्री है, करता यस सर, जो एंगल है पर्टिकुलर, वो ईच एंड एवरी साइड के ऊपर वेरी करता है सर। तो वो हूँ। पर्टिकुलरली आप सॉफ्टवेयर में डाल के चेक करो कि विच शुड बी द बेस्ट एंगल फॉर दिस पर्टिकुलर लोकेशन, ये पर्टिकुलर एकदम लोकेशन के लिए कौन सा राइट एंगल होना चाहिए। तो ये जब 3D आप बनाओगे सॉफ्टवेयर के अंदर, सोलारिस के अंदर, तभी आपको आइडिया आएगा कि ये कौन से एंगल के ऊपर लगेगा, तब आपको 100% एफिशिएंसी मिलेगा या फिर नियर बाय 100 मिलेगा। फिर क्या है कि वो लगा के तो चला जाता है, अगर समझो 3D आपने नहीं बनवाया, लगा के चला गया, फिर वो कस्टमर कॉल करके कंप्लेन करता रहता है, भाई हमारा तो प्रॉपर जनरेशन ही नहीं मिल रहा है, आपने बोला था पर डे पर किलोवाट 4 यूनिट का मिलेगा, बट यहाँ पर तो 2 ही मिल रहा है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन अ एंगल बेसिकली, और देयर इज अ प्रॉब्लम इन अ स्ट्रिंग डिजाइन और MPPT डिजाइन, ओके। उसने प्रॉपर कनेक्शन नहीं किया, प्रॉपर एंगल नहीं डाला, तो उसकी वजह से फिर वो जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता राइट है, ओके। तो आई वांट टू हाईलाइट दिस पॉइंट, सो दैट्स ऑल। नाउ आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन, राइट सर, या श्योर 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 आप प्रेजेंट कर ओके। सकते। सो दिस शुड यू दिस वीडियो ऑन YouTube आल्सो, ओके, एनीबॉडी कैन वॉच इट फ्रॉम माय कंपनी चैनल हॉरिजॉन कैड सॉल्यूशंस बेसिकली। ओके, सो हॉराइजन कैट को सॉल्यूशन से भी आप लोग इसको देख यस सकते हो। मैं इसका लिंक हमारे वीडियो Yes. के नीचे भी डाल दूंगा, डोंट वरी। जब भी सोलारियस पीवी आप सर स्टार्ट करते हो, ठीक है, बेसिकली तो इसमें आपको दो तीन चीजें लेके बैठना है। एक तो सबसे पहले, अगर आप गूगल मैप के थ्रू डिजाइन करना चाहते हो बेसिकली, ठीक है, तो इसमें गूगल मैप का भी ऑप्शन है, मतलब आप गूगल मैप के थ्रू भी सॉफ्टवेयर के अंदर डिजाइन कर सकते हो। तो आपको एक पर्टिकुलर साइट का गूगल मैप के ऊपर से फोटो लेना है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको गूगल मैप के थ्रू डिजाइन नहीं करना है, जैसे डायरेक्ट डिजाइन करना है सॉफ्टवेयर के अंदर ही बेसिकली, ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ अपना साइट का लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो चीजें लेके बैठना है, लेट लॉन्ग मतलब इन शॉर्ट, ठीक है बेसिकली, ओके, तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। पहली बात तो यस सर। गूगल मैप्स से हम अगर करना चाहे तो वहां पे क्या अलग आएगा, और अगर डायरेक्ट यहां से करे तो क्या अलग आएगा, दैट्स आई वांट यस टू नो। सर, जनरली सर गूगल मैप से जब भी आप करते हो, तो यू शुड नो दैट लाइक गूगल मैप के ऊपर आपको 100% एक्यूरेसी नहीं मिलता है ऑन द डायमेंशन साइड, ठीक है। तो
आप गूगल मैप से जब कोई भी डेटा उठाते हो तो वो 2D बेस्ड डेटा होता है, 3D बेस्ड डेटा नहीं होता है। नहीं तो होता है, उसमें कोई भी राइट। बिल्डिंग को आपको जो ऊपर से जो दिख रहा है फ्रंट फेस वही पता चलेगा, उसका हाइट आपको नहीं पता चलेगा नहीं पता चलेगा, फिजिकली। ठीक है तो ठीक है। इसीलिए जनरली क्या करना पड़ता है, सोलर में साइट विजिट इसीलिए रहता है कि साइट विजिट आपको इसीलिए करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सोलर प्रोजेक्ट में सर दो पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है पहले बेसिक डिजाइन और दूसरा होता है डिटेल डिजाइन। तो बेसिक डिजाइन जनरली आप डायरेक्टली गूगल मैप के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि उसमें उतना हाइट वगैरह मैटर नहीं करता है, ठीक है। बट जब आप बेसिक डिजाइन कस्टमर को सबमिट कर दिया, कस्टमर ने एग्री कर लिया, उसके बाद जब आप डिटेल डिजाइन बनाते हो तब आपको डेफिनेटली उसका साइट विजिट करना चाहिए, या फिर जो इंजीनियर साइट विजिट करके आया है उसके पास से आपको प्रॉपर डेटा लेना चाहिए, ठीक है। तो हमारे ये सोलारियस पे सॉफ्टवेयर में क्या है कि सर मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि आप गूगल मैप के थ्रू डिजाइन कर सकते हो, डिटेल डिजाइन कर सकते हो, डिटेल डिजाइन में आप मैनुअल भी डिजाइन कर सकते हो, और उसके अलावा अगर आपके पास ड्राइंग या फिर पीडीएफ या फिर पर्टिकुलर इमेज है कोई भी वो पर्टिकुलर साइट का, तो वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्टली अपलोड करके उसके ऊपर से डायरेक्टली डिजाइन कर सकते ओके, हो, ठीक गॉट इट गॉट इट। है। या सो नाउ यू कैन सी, जैसे कि सर हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको लोकेशन डालने का ऑप्शन मिल जाता है सबसे पहले, ठीक है। तो आपने कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन डाल दिया, उसको सिलेक्ट कर लिया, आप लेट लॉन्ग भी डायरेक्टली डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई भी एक एड्रेस सर्च किया है, ठीक है। तो उसको जैसे ही आप डालते हो तो यहाँ पर आपको सर इसका इरेडिएशन डेटा का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आप हमारे सॉफ्टवेयर में दो तरीके से इरेडिएशन डेटा डाल सकते हो, एक तो मेंटेनियम 7.1 जो नासा का सैटेलाइट है, और एक दूसरा है PVGIS, ओके। तो जो एक एशियन सैटेलाइट है वहां से आपको इरेडिएशन डेटा, मतलब लास्ट 25 ईयर में ये पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है, बेसिकली टेम्परेचर इफेक्ट क्या रहा है, वो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करके दिखा देता है, मतलब एक एवरेज दे देता है बेसिकली कि यहाँ पर आपको कितना इरेडिएशन डेटा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चीज हमारे दर्शकों के लिए बता दूँ कि यहाँ पे जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे आपको PVGIS एंड मीटियो नॉर्म का डेटा मिलता है, तो PVSYST में भी यही दोनों डेटा आपके पास होता है। इसके अलावा भी होता है, बट मोस्टली इंडिया इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भी जब आप काम करोगे तो वहां पे आपको मीटियो नॉर्म या तो फिर PVGIS, ये दोनों डेटा ही यूज करना होता है। तो आई थिंक यहाँ पे भी ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्लीज सर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कस्टम डेटा अपलोड करना है तो आप यहाँ से कस्टम डेटा भी अपलोड कर सकते हो, आपका खुद का यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, वहां से आप कस्टम डेटा भी अपलोड कर सकते हो, ये दो तो रहता ओके ही है। ओके आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि हमने कोई पर्टिकुलर लाइट साइट सिलेक्ट किया तो वहां पर 1891 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर हमको इरेडिएशन मिल रहा है एनुअली, ओके, पर एनुअली किलोवाट ऐसा बेसिकली। ओके तो उसके अलावा यहाँ पर आपको ग्राफ भी रिप्रेजेंट करता है कि कौन से मंथ में ज्यादा प्रोडक्शन मिलने की संभावना है और कौन से मंथ में कम, पर्टिकुलर दिस लोकेशन के लिए, और ये ग्राफ हर एक लोकेशन के लिए वेरी करता है सर। तो यू कैन सी इसके अंदर आपको सर डायरेक्ट इरेडिएशन, डिफ्यूज इरेडिएशन, टोटल इरेडिएशन, ओके, कोई भी पर्टिकुलर मंथ का कंपैरिजन भी कर सकते हो, और यहाँ पर आपको एवरेज मंथली क्या आपको यूनिट मिलने की संभावना है वो भी यहाँ पर आपको दिखाता है सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपको संभावना प्रेजेंट करता है, अभी आपको कोई फाइनल रिजल्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। बिकॉज हमने अभी कोई भी लॉसेस या फिर कोई भी जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हमने ऐड नहीं किए इसके अंदर, ठीक है। तो अभी आपको ओके, फाइनल तो रिजल्ट इन द दिखाना है। फर्स्ट फेज अभी जो हमें दिखा, दीज ऑल आर द सोलर रेडिएशन जो सोलर पैनल तक पहुंच रहा है। अभी तक हम पैनल पे आए नहीं है, तो अभी जो हमने डेटा देखा या फिर डेटा इंपोर्ट हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ सोलर इरेडिएशन का डेटा है। अभी पैनल इन्वर्टर का कंसिडरेशन होगा, फिर हम लॉसेस कंसिडर करेंगे। प्लीज सर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा समझो कोई हमारा सर पर्टिकुलर लोकेशन है, कोई माउंटेन और उसकी पर्टिकुलर लोकेशन से घिरा हुआ है, तो वहां पर कैसा होता है जनरली हाफ डे या फिर जब तक वो माउंटेन का शेडो आएगा आपकी लोकेशन ऊपर तब तक वो शेडो, मतलब वहां पर शेडो रहेगा। तो उसका कैलकुलेशन करके वो पर्टिकुलर साइट का 360 पैरानामा फोटोग्राफ्स डाल के इसके अंदर आप अपलोड करके वो शेडिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। बट अभी के लिए उस डेप में हम नहीं जा रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे तब उसमें जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टेंस बेसिकली, ठीक है, अल्बेडो जिसको बोलते हैं, ठीक है, हाँ, मतलब आप ये जो थ्री पीवी सिस्ट में सिक्सटी हम एल्बेडो बोलते हैं, वही यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस के तौर पे करते दिया गया है। हो, इसका सिंपल सोल अगर लैंग्वेज में मैं समझाने बैठू तो बेसिकली जो हमारा लोकेशन होता है उसके आजू बाजू जो नेचुरल बॉडीज होती है वो क्या करती है कि सोलर इरेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है।
बेसिकली ये ह्यूमन के लिए तो अच्छा है बट सोलर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको जितनी धूप ज्यादा होगी उतना जनरेशन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो वो ठीक नेचुरल बॉडीज को हमको यहाँ पर उसका कैलकुलेशन एज पर द ISI स्टैंडर्ड टेबल दिया हुआ है, आप वहां से चूज करके डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई मैनुअल कैलकुलेट करके डालना है तो वो भी आप ऐड करके यहाँ पर डाल सकते हो, तो आपको दोनों गॉट तरीके के इट। ऑप्शन, ठीक है। तो उसके बाद हम जा रहे हैं बिम डिजाइन, तो ये हमारा एक्चुअल डिजाइन सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर सो ये जो साइट प्लान है वो हमारा 2D डिजाइन है, और यहाँ पर 3D व्यू है वो हमारा 3D डिजाइन है, ठीक है। और यहाँ पर इसके टूल्स है इस तरीके से डिजाइन करने के, तो समझो कि सबसे पहले हमको गूगल मैप के ऊपर से ही डिजाइन करना है, ठीक है। तो गूगल मैप के अंदर आप जब भी आप फोटो कैप्चर करते हो आपको पता होगा यहाँ पर एक 10 मीटर 5 मीटर का एक लाइन बनता रहता है, ठीक है। तो वो लाइन के साथ ही आपको फोटो कैप्चर करना है, ठीक है। जैसे आप वो फोटो कैप्चर करके इसमें डालोगे बेसिकली, तो आपको यहाँ पर एक स्केल का ऑप्शन मिल जाता है इस ड्राइंग को स्केल करने का। तो आपको राइट। उस वहां पर एक सिर्फ एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ करना है, और आपको एक नया मेजरमेंट के तौर पे 10 मीटर डालना है, ठीक है। सिंपल आपका जो ड्रॉइंग है, आपका जो मतलब साइज है, वो एक्चुअल डायमेंशन में आ जाएगा मतलब आफ्टर स्केलिंग, आप जब स्केल आफ्टर स्केलिंग, कंप्लीट यस करोगे आफ्टर। उसके बाद ही आपका जो इमेज है, गूगल अर्थ का जो इमेज है, जो सैटेलाइट इमेज है, वो राइट डायमेंशन पे आ जाएगा। यस 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 तो गॉट कोई भी इट। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कोई भी अगर आप इमेज इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो बेसिकली तो आपको स्केलिंग का स्केल करना प्रोसेस पड़ता ऐसा ही होता है। है, यस यस स्केल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही हमने रखा है, बट यहाँ पर क्या किया हमने, गूगल मैप के ऊपर जो बाय डिफॉल्ट 10 मीटर का लाइन होता है ना, ये हमारे सॉफ्टवेयर में स्केल का ऑप्शन हमने दे दिया है, और वहां पर सिर्फ आपको 10 मीटर का लाइन ड्रॉ करना है, दैट्स इट। तो सॉफ्टवेयर अपने आप ही उसको स्केल कर देगा ओरिजिनल डायमेंशन में, बिल्डिंग का जो ओरिजिनल डायमेंशन होगा उसके अंदर ही आपका डायमेंशन आ जाए। तो अभी हम इसके ऊपर समझो ये हमारा ड्राइंग हो गया, अभी इसके ऊपर हम डिजाइन कर रहे हैं। तो आपको सिंपली जैसे अपन ऑटोकैड में डिजाइन करता है, सिंपली उसी तरीके से जैसे हमने बिल्डिंग का बाउंड्री ड्रॉ किया, बिल्डिंग के ऊपर जो जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल थे वो हमने ड्रॉ किए, ठीक है। तो इसके अंदर सभी तरीके के आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर रेडीमेड लाइब्रेरी भी रहता है, लाइक अपना वाटर टैंक, सोलर वाटर हीटर, मोबाइल टावर, जो भी ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, वो आप डायरेक्टली लाइब्रेरी से उठा के सॉफ्टवेयर के अंदर डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो अभी हमने ये 2D में ड्रॉ किया था, ठीक है, फिजिकली। तो यहाँ पर यू कैन सी सॉफ्टवेयर ने अपने आप ही उसको 3D में कन्वर्ट कर दिया, सर। हाँ, ओके, ऑल्सो आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द पर्टिकुलर हाइट। ओके, उसके अलावा मैं इसके अंदर पैरापेट वॉल वगैरह डाल सकता हूँ, ठीक है, पैरापेट वॉल मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ, तो वो भी एक शेडो ऑब्जेक्ट है। ये सब ऑब्जेक्ट हम क्यों ड्रॉ करते हैं जनरली सोलर प्रोजेक्ट में, बिकॉज ये सब शेडो ऑब्जेक्ट है, राइट, बेसिकली। तो शेडो ऑब्जेक्ट को आपको ड्रॉ करना पड़ता है कि उसका जो शेडो है वो हमारे पैनल के ऊपर आएगा या नहीं आएगा, वो चेक करने के लिए, ठीक है। यू कैन सी हमने पैरापेट वॉल ड्रॉ कर दिया, उसके ऊपर जो रूम्स या फिर सीमेंट वाटर टैंक अवेलेबल थे वो हमने ड्रॉ कर दिया। उसके अलावा इसमें सर प्रेजेंटेशन पर्पज के बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें आप कलर वगैरह लगा सकते हो, आपका बिल्डिंग एग्जैक्टली जो कस्टमर का बिल्डिंग है जैसा दिख रहा है उसका सिमिलर यहाँ पर आप कॉपी बना सकते हो, ठीक है, ताकि कस्टमर देखते ही उसको लग जाए कि नहीं भैया यही मेरा प्रोजेक्ट लगने वाला है, इसी तरीके से लगने वाला है, राइट, बेसिकली। तो मैं थोड़ा बैक करूंगा, समझो कि अभी मुझे इस बिल्डिंग के ऊपर पैनल इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। ठीक तो यहाँ है। पर मैंने एक एरिया सिलेक्ट किया कि ये पर्टिकुलर रूम के ऊपर मुझे पैनल इंस्टॉलेशन करना है, तो यहाँ पर डिजाइन बी फील्ड का ऑप्शन आ जाता है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि आपको पैनल पैरेलल टू सरफेस लगाना है, नॉट पैरेलल टू सरफेस लगाना है, ठीक है। तो अभी हमने नॉट पैरेलल टू सरफेस ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मतलब आपको यहाँ पर, नॉर्मल नॉर्मल आरसीसी के ऊपर है। हाँ यस, ठीक है। आरसीसी के ऊपर नॉर्मल है सर, नॉर्मल आरसीसी के ऊपर, ठीक है। अगर समझो आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा टिल्ट एंगल होना चाहिए बेस्ट कि आपको बेस्ट एफिशिएंसी मिले, राइट, बेसिकली, तो उसके लिए यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर ने एफिशिएंसी फिल्टर करने का भी ऑप्शन दिया है। एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आपको एक एफिशिएंसी का रेंज डालना है 95 to 100, ओके, बेसिकली। तो सॉफ्टवेयर आपको उसमें बेस्ट टिल्ट एंगल के मल्टीपल ऑप्शन शो कर देगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है आप एक पर्टिकुलर एंगल डाल के भी देख सकते हो, सॉफ्टवेयर अपने आप दिखा देगा ये एंगल के ऊपर इतनी एफिशिएंसी मिली, मतलब ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी आई कैन चूज द टिल्ट एंगल, ताकि मेरा यस जो सर, प्रोजेक्ट है वो सबसे अच्छा परफॉर्म करे। यस सर, यस सर, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि जनरली लोग यही गलती करके आ जाते हैं अपने अंदाजे से कोई भी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर पैनल लगा देते हैं, राइट, बेसिकली। बट वो साइड टू साइड वेरी करता है, तो वो ये सॉफ्टवेयर के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से उठाता है, ठीक है। हमने जो ठीक है, लोकेशन डाला है उसके हिसाब से वो टिल्ट एंगल हमको सजेस्ट करता है, गॉट इट। ओके। तो उसके बाद आप जैसे ही उसको नेक्स्ट करोगे यहाँ पर आपको पैनल डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड के सभी पैनल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते
हो, आपको जस्ट पैनल, आपको पर्टिकुलर पावर मॉड्यूल जो चाहिए वो फिल्टर करके सिलेक्ट करना है। आप उसको जैसे ही सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 23 पैनल जा रहा है और हमारा प्रोजेक्ट कैपेसिटी डिजाइन हो रहा है 4.6 किलोवाट। आपका टोटल एरिया जा रहा है 20.49 मीटर स्क्वायर, और आपका एनुअली जनरेशन मिलेगा आपको 7,340। ओके, गॉट इट। पूरा डिटेल प्रोसेस है, बट अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में ज्यादा इसको देखेंगे। आप देख सकते हो सर आपका फिजिकल पैनल लग गया पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये हमने गूगल मैप के थ्रू किया। अभी समझो आपको मैन्युअली अपने हाथ से इसको डिजाइन करना है, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमने इस तरीके से ऑटोकैड में जैसे डिजाइन करते हैं वैसे सिमिलरली कर लिया, उसको हाइट दे दिया, उसके ऊपर कोई रूम वगैरह आपको क्रिएट करना है तो रूम वगैरह डाल दिया आपने, ठीक है? बेसिकली उसके बाद इसका पैरापेट वॉल वगैरह क्रिएट करना है, तो आप ऑफसेट लगा के भी पैरापेट वॉल क्रिएट कर सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर। और उसके बाद पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाइट वगैरह देना है तो आप हाइट वगैरह दे सकते हो, ठीक है? बेसिकली तो ओके वो सब ओके ऑप्शन जैसे आप ऑटोकैड स्केचअप में यूज करते हो ऑल आर सिमिलर इन टू दिस। मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आर सेम लाइक अदर सॉफ्टवेयर, बट ये यस एक सर, सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें मतलब इजीली मिल जा रहा है। यस यस, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रैक्टिकल कैलकुलेशन दिखा देगा। जैसे समझो मैंने स्केचअप के अंदर 25 पैनल डाला, तो सॉफ्टवेयर ये नहीं बताएगा कि 25 पैनल के ऊपर आपको क्या जनरेशन मिलेगा। क्या जनरेशन यहाँ मिलेगा, पर लाइक आपको उसके ये लिए मुझे टेक्निकल कोई डेटा चीज दिखा लगाना जा रहा है पड़ेगा। फिजिकली कि कितना जनरेशन मिलेगा, क्या जनरेशन मिलने की संभावना है, ठीक है? वगैरह वगैरह। अभी हम एक दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, राफ्टर एंड पर्लिंग इंस्टॉलेशन, राइट? फिजिकली जो एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर होता है, जनरली रेजिडेंशियल टावर के ऊपर, हाँ, मतलब इसी फ्लास तरीके से। माउंटेड सिस्टम या फिर एज पर द शेड हम बोल सकते हैं, पैरेलल यस सर, टू द यस सर, शेड। यस सर, इसको हर एक जगह पे अलग अलग नाम देते हैं, तो आप अपने हिसाब से, बट ये जब लगेगा तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम पैरल नॉट पैरल टू सरफेस सिलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप ही उसका टिल्ट एंगल वगैरह सब कुछ ले लेगा। और यहाँ से हम पैनल फिल्टर करके जो भी कंपनी का पैनल चाहिए आप जस्ट फिल्टर करो, ठीक है? और सिंपली डाल दो, टाटा का पैनल चाहिए मेरे को, टाटा पावर सिलेक्ट मैंने किया, उसमें पावर मॉड्यूल जो चाहिए वो मैंने फिल्टर किया, 325 किलोवाट का पावर मॉड्यूल चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैनल लग गया। और उसमें इसका ब्यूटी क्या है कि ये सॉफ्टवेयर जो टिल्ट एंगल है वो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर अपने आप बना लेता है, ठीक है? दिस इज अ तो यहाँ ब्यूटीफुल पर थिंग। यस सर, और इसके अंदर आप शेडो सिमुलेशन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर पैनल के ऊपर कब शेडो कितने बजे कहाँ से आएगा, ठीक है? और अभी हम जो राफ्टर पर्लिंग इंस्टॉलेशन की बात कर रहे थे उसके लिए हमने एक प्लान डिसाइड किया है, ठीक है? उसको एक हाइट दिया और उसको एक एंगल दे दिया कि ये कितने एंगल के ऊपर प्लान लगना चाहिए, कितने एंगल के ऊपर मेरी पैनल लगनी चाहिए बेसिकली। ठीक है। तो वो आप यहाँ से डायरेक्टली डाल सकते हो सिंपल। तो इसमें सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है इसको स्लोप करने का, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ P1 P2 पॉइंट देना है। P1 मतलब हायर साइड, P2 मतलब लोअर साइड, ठीक है? तो आपने यहाँ पर एंगल डाल दिया, उसको सिलेक्ट किया। इसमें पैनल डालने का प्रोसेस हर एक जगह पर सेम है, कोई भी चीज अलग नहीं की है, ठीक है? सिर्फ डिजाइन ही वेरी करता है, पैनल डालने का प्रोसेस हर जगह पे सेम ही रहता है। तो पैरेलल टू ऑप्शन सरफेस हमने सिलेक्ट किया, पैनल फिल्टर किया, कैलकुलेट किया, ठीक है? वो सब प्रोसेस सेम ही है बेसिकली। टाटा पावर प्रोजेक्ट मतलब पैनल फिल्टर किया मैंने, ठीक है? और आप अपने पैनल फेवरेट करके भी रख सकते हो, आपको हर बार फिल्टर नहीं करना हो, सो यू कैन फेवरेट योर पैनल और वो वही पैनल आपको दिखेगा बार बार, ठीक है? तो यू ठीक कैन है। सी अभी यहाँ पर हमारा 6 रो के अंदर सर हमारा राफ्टर एंड पर्लिंग इंस्टॉलेशन हो गया, ओके? तो इसके अंदर आप स्ट्रक्चर भी डिजाइन कर सकते हो सर बेसिकली, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा ब्यूटी है। तो इसके अंदर आप समझो एक मुझे लेग लगाने हैं, ठीक है सर बेसिकली? तो मैंने यहाँ पर लेग लगा दिए और उसको मल्टीपल जगह पे मैं कॉपी कर सकता हूँ और पर्टिकुलर ठीक डिस्टेंस के ऊपर भी डाल सकता हूँ, ठीक है? तो है। ये लेग लगाने के बाद उसका सेकंड लेग किस जगह पे लगना चाहिए, कहाँ पर लगना चाहिए, उसका हाइट क्या होना चाहिए, वो सब चीजें मैं डिसाइड कर सकता हूँ। अभी ये सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ डेवलपमेंट चालू है जैसे स्ट्रक्चर कैलकुलेशन, ठीक है? अभी ये सॉफ्टवेयर में नहीं हो रहा है, जैसे कि अभी तो कोई भी सॉफ्टवेयर में नहीं हो रहा है सोलार के जितने भी सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है? बेसिकली ये सॉफ्टवेयर के अंदर एटलीस्ट सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर डिजाइन करने का फैसिलिटी देता है जो कोई सॉफ्टवेयर में नहीं देता है। हाँ, और इसमें आप मोस्टली स्ट्रक्चर, अभी आज के डेट में जितने भी स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है वो स्टैड में होता है, फिर उसको ऑटोकैड में, मतलब ऑटोकैड में करके स्टैड में करना होता है जो हम लोग एग्जैक्टली सर, करते हैं। बट अगर यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन और कैलकुलेशन भी आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि काम करने में मतलब इजी हो जाता है। यस सर, यस सर।
यू कैन सी इसमें सर स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, इट्स वेरी इजी, जस्ट कॉपी पेस्ट, एक लेग बनाना है आपको, ठीक है, उसके बाद कॉपी पेस्ट करते जाओ और आपका लेग लगता जाएगा। यू कैन सी आपका स्ट्रक्चर लग गया। यू कैन सी अब ये प्रोजेक्ट आप जब क्लाइंट को दिखाओगे सर कि इसी तरीके से आपका इंस्टॉलेशन होगा, देन ही शुड बी हैप्पी सर, और वो आपको तुरंत प्रोजेक्ट मतलब वो देने की संभावना बढ़ जाती है। और उसको शेडो राइट सिमुलेशन करके भी दिखा सकते हो कि सर इस तरीके से शेडो आएगा। यू कैन सी, ठीक है, तो वो मोर देन हैप्पी इस पर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ऐसा आज की डेट में इतना प्रोफेशनल डिजाइन कोई नहीं करता सर। राइट ओके, उसके अलावा सर यहाँ पर इन्वर्टर डिजाइन, एसीडीबी डिजाइन सब फैसिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, बेसिकली ये देखिए, ये आई थिंक कॉपी मुझे कॉपिंग ऑडियंस वाला को ये पार्ट। हाईलाइट करना है कि यहाँ पे ये जो फीचर है कि आप इन्वर्टर और मॉड्यूल जहाँ पे प्लेस कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको केबल लेंथ भी मिल जाएगा, आपको इन्वर्टर के करंट के हिसाब से केबल कंसिडरेशन भी यहाँ से ही मिल जाएगा। तो ये मुझे केबल लगता है बहुत बड़ा। कंसीडरेशन, सॉरी अमिया जी, मैं एक बार रोक रहा हूँ आपको, रियली सॉरी फॉर दैट। केबल लेंथ इस सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट अभी नहीं होता है सर, आप इसको मैन्युअली डालना पड़ता है। उसका एक रीजन होता है, रीजन क्यों, क्योंकि जनरली आप यहाँ पर जहाँ पर भी इन्वर्टर का जो लोकेशन डिसाइड करते हो ना, वो रियल टाइम के ऊपर चेंज हो जाता है, क्योंकि हाँ, वो तो वहां पे एग्जैक्टली वो सेम ओनर, नहीं होता है हाँ हमेशा। एग्जैक्टली, वहां पर जाके ओनर बोलता है भाई मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मेरे को नीचे चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं चाहिए, सेकंड फ्लोर पे चाहिए, उसके हिसाब से आपका केबल लेंथ वेरी कर जाता है, ठीक है। तो समझो कि आप यहाँ से मटेरियल लेके कुछ और गए थे और वहां पर मटेरियल बढ़ गया, तो फिर आपका वो प्रोजेक्ट होल्ड पे आ जाता है बेसिकली, ठीक है। तो गॉट इसलिए इट। हम केबल लेंथ सॉफ्टवेयर के अंदर कैलकुलेट नहीं करते, वो इंजीनियर ही वेरीफाई कर लेता है कि इन्वर्टर कहाँ पर लगवाना है, उसके बाद वो अपने आप ही कैलकुलेट कर लेता है, और यहाँ हाँ इसके अंदर मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर डालने का ऑप्शन है। मतलब आप बोल रहे हो कि वहां पे आपको केबल लेंथ डालना पड़ेगा कि कितना आपका लेंथ आ रहा है। सो दैट इज डेफिनेटली यस यू हैव टू फाइंड एग्जैक्टली, आउट, बिकॉज सॉफ्टवेयर तो प्रैक्टिकली साइट पे जाके देख नहीं रहा है कहाँ पे कैसा चीजें लगा हुआ है। यस तो वो लेंथ आपको यस डालना है वो तो मैनुअली पुट करना। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपके लेंथ के हिसाब से जो केबल साइज होना चाहिए वो तो सॉफ्टवेयर हाँ आपको बता यस सकता है यस ना। वो अपने आप कर लेता है सर, सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेता है, केबल साइजिंग वगैरह, करंट कैलकुलेशन वगैरह, वो सब अपने आप कर लेता तो दिस है, इज ठीक अ है। बिग बिग थिंग फॉर अस दैट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे से ये सारे चीजें मिल जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते यस हैं। यस तो यहाँ पर सर हमने सिमिलरली इन्वर्टर भी हर एक कंपनी के अवेलेबल है। यू कैन सी इसमें सर सॉफ्टवेयर अपने आप ही एमपीपीटी स्ट्रिंग डिजाइन डिजाइन कर लेता है। ऑल्सो यू हैव मैनुअल ऑप्शन, यहाँ पर जो ऑटोमेटिक ऑप्शन है, अगर उसको मैं मैनुअल करूंगा तो मैं मैन्युअली भी डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है, कि कौन सी एमपीपीटी के अंदर कितने स्ट्रिंग होने चाहिए और कौन सी स्ट्रिंग के अंदर कितने मॉड्यूल होने चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है, बेसिकली सर। तो वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जब डिजाइन करता है तो उसका एक कैलकुलेशन भी आपको दिखाता है कि मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया और ये सही है। आप जब ऑन साइट इंस्टॉलेशन करोगे तो इसी तरीके से करोगे तो आपको बेस्ट जनरेशन मिलेगा सर। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर मैंने इन्वर्टर लगा दिया, उसके ऊपर नंबरिंग, यू कैन सी पैनल के ऊपर नंबरिंग आ जाता है कि पहला नंबर इन्वर्टर मतलब एमपीपीटी का नंबर है, सॉरी इन्वर्टर नंबर है, दूसरा नंबर एमपीपीटी का नंबर है, तीसरा नंबर स्ट्रिंग नंबर है, और फोर्थ मतलब नंबर काइंड ऑफ कॉइल। स्ट्रिंग मार्किंग हमें यहाँ पे मिल जा रहा है। यस, तो क्या इंस्टॉलेशन वाला जो बंदा है उसको अपना दिमाग ना दौड़ा के डायरेक्टली ये लेआउट जब मिल जाता है तो उसको उस हिसाब से जब केबल कनेक्शन करना है इधर से। हाँ, मतलब उसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप स्ट्रिंग लेआउट ऑटोकैड में बनाने जाओगे तो वो इट विल बी अ वेरी टफ जॉब, मतलब यस बहुत ही सर, टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। बट यहाँ पे अगर ये स्ट्रिंग मार्किंग ऐसे ही दे देता है ऑटोमेटिकली, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कैसे स्ट्रिंग लगाना है। राइट, इट्स गिविंग यू द 2D लेआउट एज वेल। ओके, स्ट्रिंग का 2D लेआउट भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको जनरेट करके दे देता है। तो मैंने आपको 3D दिखाया, बट अभी क्योंकि मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, बट मैनुअल जब हम प्रैक्टिकल इसको करेंगे तब मैं ये पर्टिकुलर 2D लेआउट भी आपको जनरेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके जरूर बाद जरूर। हमारा आता है सर ACDB और DCTB डिजाइन, तो उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर, यू कैन सी आप जो बोल रहे थे ना केबल डेफिनेशन, तो केबल का साइजिंग वगैरह वो सब चीजें सॉफ्टवेयर यहाँ से कैलकुलेट करता है बेसिकली, कि आपको केबल कौन सा चाहिए, सिंगल कोर मल्टी कोर, कौन सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कैसे इंस्टॉलेशन करना है, मतलब केबल आप किस तरीके से लगा रहे हो, पाइप में, डक में, वेंट में, ठीक है, रूम टेम्परेचर क्या है, नंबर ऑफ केबल कितने हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आप एक बार उसको बता दोगे सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा कि आपका केबल साइजिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल, बहुत और बढ़िया। किस तरीके से करंट पास होगा। तो दिस इज द केबल डेफिनेशन फॉर डीसी करंट कनेक्शन।
उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे तो केबल डेफिनेशन फॉर एसी करंट कनेक्शन आएगा। तो ओके ये सॉफ्टवेयर आपको दो सेपरेट सेगमेंट दिखाता है। उसके बाद आपका डीसीडीपी और एसीडीपी डिजाइन स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आप जैसे ये सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद यू कैन सी केबल डेफिनेशन फॉर डीसी एंड एसीडीपी। और अभी आपने देखा ओके होगा सर, बहुत सारे इन्वर्टर में एसीडीपी डीसीडीपी इनबिल्ट आता है, ठीक है। तो हाँ, बहुत सारे मतलब आपको हायर नए डिजाइन, कैपेसिटी इन्वर्टर में हाँ आता है। यस सर, तो अगर इसको नए डिजाइन करना है तो यहाँ पर जो प्रेजेंट ऑप्शन है उसके नीचे एक एब्सेंट करके ऑप्शन रहता है, उसको एब्सेंट कर दोगे। एसीडीपी एसीडीपी एब्सेंट मतलब हमको डिजाइन ही नहीं करना है सर बेसिकली, ठीक हाँ, है। मतलब वो तो नहीं डायरेक्टली रहेगा वहां, आपको, तो डायरेक्टली आपको नेक्स्ट जाने देगा, आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली हाँ, आउटपुट प्रोटेक्शन में हमने सर्किट ब्रेकर लगा दिया, एसपीडी हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस बेसिकली। इनपुट प्रोटेक्शन में कौन सा डिवाइस लगेगा बेसिकली, अगेन एसीडीपी डीसीडीपी में सिलेक्ट करूंगा सर। स्विच पैनल फॉर ऑल इन्वर्टर, वन स्विच पैनल फॉर ऑल इन्वर्टर क्या है कि हमारा एक इन्वर्टर है तो उसके लिए आप कितना एसीडीपी लगा, एसीडीपी डीसीडीपी लगाना चाहते हो। तो जनरली बहुत सारे जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो सबके लिए इंडिविजुअल भी लगाना पड़ता है, राइट बेसिकली। तो ये सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर पूछता है कि आप अलग अलग लगाना चाहते हो या फिर सबके लिए कॉमन लगाना चाहते हो। ओके तो दिस विल बी द टेक्निकल डिटेल, ये आपको कोई सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती है। यू कैन सी यहाँ पर आपका मेन स्विच पैनल मतलब आपका जो कनेक्शन है वो किस तरीके से जा रहे हैं सर, मेन स्विच पैनल टू फोटोवोल्टाइक पैनल, एसी पैनल, उसके बाद इन्वर्टर में, उसके बाद एमपीपीटी वन में, टू में, थ्री में और फोर में, राइट। हाँ, मतलब उस डिस्ट्रीब्यूट हो हिसाब रहा है कैसे। से यस, उस हिसाब से सर आपका एसएलडी डायग्राम भी सॉफ्टवेयर अपने आप जनरेट कर देता है, ठीक है। सो दिस इज योर फुल एसएलडी डायग्राम, यू कैन सी। आपको कभी भी एसएलडी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर लीजेंड, टेबल क्रिएशन वगैरह सब कुछ सॉफ्टवेयर अपने आप क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो दिस इज योर एलयू बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स टू पैनल, मतलब पूरा का पूरा एसएलडी डायग्राम सॉफ्टवेयर अपने आप जनरेट कर देता है। अगर इसके अंदर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो इसके अंदर ऑटोकैड के भी सभी कमांड बाय डिफॉल्ट रहते हैं, ठीक है, बेसिकली जो आपको चाहिए 2D डिजाइन को मॉडिफाई करने के लिए। और अगेन यू कैन सी दिस एसएलडी डायग्राम, इट इज इन अ ऑटोकैड फाइल फॉर्मेट, ओके, DWG और DXF फाइल। तो आप इसको डाउनलोड करके ऑटोकैड में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप ऑटोकैड में भी चेंज कर सकते ओके हैं। और ओके आपने जो बोला था पर्टिकुलर केबल का टेबल, राइट बेसिकली, तो केबल का जो टेबल है वो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर अपने आप जनरेट करता है। डिस्क्रिप्शन, थिकनेस ऑफ द केबल, लेंथ बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर 1 मीटर ले लेता है, बट करंट करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड वोल्टेज ड्रॉप, इतनी चीजें आपको सॉफ्टवेयर अपने आप दे देता मतलब यहां पे मुझे अपना लेंथ जो है वो चेंज करना है सर। पड़ेगा 1 मीटर से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और उसी हिसाब से यस सॉफ्टवेयर मुझे बता देगा कि कौन सा केबल चूज करना चाहिए और क्या वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। यस सर, यस सर, यस। यहाँ पर आपको बस वही चीजें सिर्फ केबल के लेंथ डालनी है, बाकी का डेटा अपने आप मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है, ओके। बढ़िया है। यस, तो ये एक्सेल सीट में आपको मिल जाता है बेसिकली पूरा टेबल। आप इसको एक्सपोर्ट का एक्सेल में करके भी कैलकुलेशन करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सो यू कैन सी इसके बाद इसमें शैडो सिमुलेशन तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट एक्चुअली क्या है, मैं जब वीडियो बना रहा था तो मैंने 2-3 बार इसको कवर किया है, क्योंकि कस्टमर को मतलब आइडिया आना चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ओके इसको हम ओके अभी कट करते हैं। ऑल्सो यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल शेड भी मैंने डिजाइन करके दिखाया है, ठीक है बेसिकली, ताकि इसमें आपको पता चले मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर सर एक सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है पता है क्या, इसके अंदर आप हर एक कैटेगरी के प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हो, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ग्राउंड माउंटेड, ऑल काइंड ऑफ कैटेगरी, ओके ओके। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो ये सब सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन देते हैं, ऑटोकैड, स्केचअप, पीवीसी और एक्सेल सीट का, बट उसमें भी लिमिटेशन आ जाता है कि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का ही प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं। वो इंडस्ट्रियल करेगा तो ग्राउंड माउंटेड नहीं करेगा, रेसिडेंशियल नहीं करेगा, ठीक है, उस तरीके का लिमिटेशन रह जाता है, जो यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। इसमें आप हर एक कैटेगरी का विद द अनलिमिटेड कैपेसिटी सर, आप इसमें कैपेसिटी भी कुछ भी मतलब 10 मेगावाट कर लो, 1000 मेगावाट कर लो, कोई भी कैपेसिटी का प्रोजेक्ट आप इसके अंदर डिजाइन कर सकते वाओ, दैट्स ग्रेट। हो, ओके हाँ या। और उसके लिए आपका सिर्फ जितना मेगावाट बढ़ेगा तो इसमें क्या है कि 3D मॉडल का थोड़ा साइज बढ़ जाता है, उसके लिए आपको सिस्टम अच्छा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम कैपेसिटी शुड बी बड़े एन हायर, ठीक है, क्योंकि वो एक सिंपल सी नॉलेज है जिसमें समझो कि आप एक पैनल 1 MB का है इसमें, जब क्योंकि इसमें वो 3D मॉडल पुट कर रहा है बेसिकली, तो आप जब 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट डाल रहे हो तो उसमें मतलब
करोड़ों की संख्या में आपके पैनल लग जाते हैं, तो आपका जो साइज है वो बढ़ जाता है बेसिकली 3D मॉडल का। तो उसको यस हैंडल करने के लिए योर ग्राफिक्स वुड बी ऑन हायर साइड, ठीक है, या ऑन दे योर दैट साइड। डेफिनेटली डेफिनेटली इट्स नीडेड. तो यू कैन सी, जब तक हम बात कर रहे थे तब तक मैंने ये आपको एक इंडस्ट्रियल शेड यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। उसके अंदर जो आपको पता होगा वो सनलाइट के लिए जो गैप्स रहते हैं, राइट, बेसिकली, तो वो भी वो रूफटॉप भी में रहता है. यस, वो भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर अपने आप उस एरिया के अंदर पैनल नहीं लगाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर एक क्रिएट करके कॉपी पेस्ट, ओके, बेसिकली, तो आपका डिजाइन फास्ट हो जाएगा। मतलब इसमें आप अगर एक बार आपका ग्रिप आ गया, ठीक है, तो आप इसको डिजाइन बहुत फास्ट कर सकते हो। गॉट योर पॉइंट. या यू सो कैन आई सी इन थिंक 3D, हाँ, टेल टेल टेल. यस, इन 3D द इंडस्ट्रियल शेड हैज बीन क्रिएटेड। उसके अलावा अगर आपको इसके ऊपर कोई 3D ऑब्जेक्ट रखना है, तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर एक हमारे पास 3D लाइब्रेरी रहता है, ओके। यू कैन सी मोर देन 1 लाख प्लस पार्ट्स अवेलेबल इन 3D लाइब्रेरी फॉर ऑल काइंड ऑफ कैटेगरी, बेसिकली, ओके। और वहां पर आप अगर मेरी कंपनी का नाम डालोगे हॉरिजॉन कैड, तो आपको पर्टिकुलरली जो सोलार के रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। ओके तो ग्रेट. यहाँ पर आपको वाटर टैंक डालना है, तो आप जस्ट सिंपली कहीं पर भी एक वाटर टैंक इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट भी इसीलिए जरूरी है ताकि ये भी आपके शेडो के ऊपर इफेक्ट ना कर सके। गॉट इट. मतलब आपका जो आप प्रोजेक्ट आज कोई भी डिजाइन कर रहे हो वो एक सही तरीके का प्रोजेक्ट और एक राइट सॉल्यूशन होना चाहिए। और इसके अंदर आप यू कैन सी इसका साइज भी मॉडिफाई कर सकते हो, इवन चेंज द साइज पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट, ओके। ठीक है. ओके चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती है। उसके अलावा आपको जो इंडस्ट्रियल शेड होता है, यू कैन सी, अब जैसे हम शेडो सिमुलेशन करेंगे तो वो जो हमने वाटर टैंक रखा है उसका भी शेडो है वो हमारे पैनल के ऊपर आएगा नहीं आएगा वो हमको पता चलेगा। हाँ, वो उस हिसाब से एनालिसिस करके मुझे रिपोर्ट में यस बता देगा कि वो शैडो का इम्पैक्ट कितना आ रहा है. यस 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 गॉट इट. ऑल्सो अगर आपको यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल शेड है उसके ऊपर कोई वेंटिलेटर वगैरह जनरली होते हैं, राइट, बेसिकली, तो वो वेंटिलेटर डालना हो तो वो भी इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है। आप वेंटिलेटर डाल के उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, यू कैन एडजस्ट द साइज एज पर द रियल लोकेशन, और उसका भी कैलकुलेशन दिखा सकते हो कि इस पैनल ए पर्टिकुलर वेंटिलेटर का तो शेड क्या जो है। शेडोज आ रहा है वेंटिलेटर्स का यस पैनल के ऊपर, या फिर कहाँ कहाँ पे मुझे पैनल छोड़ना है ड्यू टू द वेंटिलेटर, तो यस यस वो हम जनरली स्केचअप एंड ऑटोकैड में करते हैं ताकि वो शेडो यस का मूवमेंट हमें पता चले. बट यहाँ पे अगर ऑटोमेटिकली ये प्लेसमेंट हो सकता है तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस. यस 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 तो बाकी का प्रोसेस आगे का सेम ही है सर। पैनल सिलेक्ट कर लिया, पैनल लगा दिया, ठीक है, बेसिकली। तो यू कैन सी इसमें पैनल रेंज अरेंजमेंट वगैरह भी सॉफ्टवेयर अपने आप ही ले लेता है, ओके। उसके अलावा इसके अंदर सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, स्पेसिंग डाल सकते हो आप, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बाउंड्री, डिस्टेंस बिटवीन रो, डिस्टेंस बिटवीन मॉड्यूल, पैनल अरेंजमेंट वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, और आप पर्टिकुलर पैनल का ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। ओके तो ये सब चीजें भी सॉफ्टवेयर में रहती है और उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर अपने आप ही पैनल अरेंजमेंट कर देता है, बेसिकली। राइट. सो आई थिंक आप यहाँ जैसे पे उसको जो हमने किया है अभी इस प्रोसेस में, मुझे जितना समझ में आया है कि फ्रॉम अ सिंगल प्लेटफॉर्म वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यस और यस यस इसके थ्रू मुझे जो लर्निंग मिला कि हम स्केचअप के तरह ही मॉडल बना के यहाँ पे जेनरेशन का भी पर्सपेक्टिव हमें मिल सकता है रादर देन यस यूजिंग स्केचअप. यस डेफिनेटली डेफिनेटली। तो यही सर इसका बेनिफिट है बेसिकली इसमें। मतलब आप कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हो, मल्टीपल कैटेगरी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसमें ऑल इन वन सॉल्यूशन है। डेफिनेटली ये सॉफ्टवेयर को सीखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब एक बार आप ये सॉफ्टवेयर सीख जाओगे देन यू शुड बी वन डिजाइनर कैन डिजाइन फुल प्रोजेक्ट, ओके। कोई गॉट भी इट. चीज के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है, इट्स चाहे 2D फाइन. हो, 3D हो, टेक्निकल कैलकुलेशन हो या फाइनेंशियल कैलकुलेशन हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली सर टेक्निकल के ये ग्राउंड माउंटेड का भी एग्जांपल दिया है, बट अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं बेसिकली, कि उसमें ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट भी आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके भी ओके हमारे पास रेडीमेड स्ट्रक्चर वगैरह भी रहते हैं, आप खुद के स्ट्रक्चर भी बना के सेव कर सकते हो। तो यहाँ से आप जस्ट अच्छा. लाइब्रेरी स्ट्रक्चर उठा लो, कॉपी पेस्ट कर लो और डाल दो, सिंपल, ठीक हाँ, है। मतलब काइंड ऑफ यहाँ पे जो प्रोसेस है ये काइंड ऑफ सिमिलर है स्केचअप की तरह, बट यस एक्सटर्नल फीचर बहुत सारे हैं जो हमें मिल रहे हैं,
rather than using this kitchen। यस। और तो मुझे यही लगता सर है मैंने ये किया। जो ये सब चीजें स्केचअप में भी नहीं होता है कि पैनल के पीछे आपका स्ट्रक्चर हो ऑलरेडी अवेलेबल, वो जनरली हाँ, हमारे वो साथ स्केचअप में नहीं बनाना ही होता। पड़ता है सर, बनाना पड़ता है, हाँ सब में वो बनाना पड़ता बनाना है। पड़ता हमने है, इसमें हाँ बट यहाँ पे कुछ भी हमें अलग से बनाना नहीं है, ऑटोमेटिक हो रहा है। सो दिस इज वेरी जी गुड, और मुझे लगता है ये हम लोग और भी सीखेंगे इसके ऊपर और आपसे ही या सीखेंगे सर। आज तो थोड़ा सा हम जस्ट बेसिक आइडिया लिए, एंड ऐसे ही भी 3D मॉडल बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे यस जैसे यस हम वो जा एक पा रहे हैं। रियल प्रोजेक्ट था ये हॉस्पिटल का। एक्चुअली एक हमारा कस्टमर है पॉन्डिचेरी में। ओके, सो अभी हमारे सर ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के मोर देन 3000 के आसपास कस्टमर अभी अवेलेबल है, जहां पर मेरे को खुद को डिजाइन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में। बट आई डोंट हैव पर्टिकुलर सोलारियस पीवी ट्रेन इंजीनियर। नो तो इशू, नो इशू सर। अभी हम इस पे आपसे सीखेंगे और उसके बाद मैं जरूर आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं आपको डिजाइनर का कमी नहीं होगा। देयर विल बी लॉट ऑफ यस, डिजाइनर फ्रॉम माई साइड ओनली। ओ गुड सर, गुड। अगर ऐसा हो जाए तो सर ये सोलर इंडस्ट्री के अंदर रिवोल्यूशन आ जाएगा सर। चलो बहुत बढ़िया है, बढ़िया मैं इस अपॉर्चुनिटी पे जरूर रेवोल्यूशन लाने का कोशिश करूंगा। डेफिनेटली सर। ठीक है, ओके, तो बेसिकली सर इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज ड्यू टू द उतना टाइम। डिटेलिंग में नहीं जाते हैं हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजें हम प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन बना के करेंगे, बट आई थिंक ऑडियंस को एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि इसके थ्रू आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। ये जस्ट लाइक अ स्केचअप सॉफ्टवेयर है, बट उसके साथ साथ आपको कैलकुलेशन भी करके दे रहा है, क्या आपका जेनरेशन है, क्या आपका कॉस्टिंग है, आरओआई है, सब चीजें एक साथ दे रहा है। तो इसीलिए आपके लिए ये इवन देखिए आपको बीओक्यू भी बना के दे रहा है। बीओक्यू भी सॉफ्टवेयर अपने आप बना के देता है बेसिकली इसमें। तो दिस इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर फ्रॉम माई साइड, बिकॉज बीओक्यू एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग स्टेप होता है जो कि हमें अलग से हर एक बार उसको एक्सेल में बनाना होता है। तो वो अगर हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो हमारे लिए काम इजी हो जाता है। सो आई थिंक ये सॉफ्टवेयर डिजाइनर का थोड़ा मेहनत कम करेगा, एंड जो भी आगे डिजाइनर आने वाले हैं वो रैदर देन यूजिंग ऑल द सॉफ्टवेयर, वो लोग ये एक ही सिंगल सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सॉफ्टवेयर इज वेरी गुड, ओके, बट कोई भी टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर होता है सर वो अच्छा तो होता ही है, बट उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है बेसिकली, ठीक है सर, कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने में जो टेक्निकल होता है, और वो टेक्निकल होता है उसी सॉफ्टवेयर का स्किल आपको पैसा देता है। बाकी जो नॉर्मल होगा तो वो ऑनर खुद सीख जाएगा, आपसे क्यों डिजाइन आपसे करवाएगा, क्यों लेगा? सिंपल सी चीज है, ठीक है ना, डेफिनेटली आपको क्यों डेफिनेटली। पैसा देगा। तो इसीलिए, क्योंकि ये ऑनर नहीं कर सकता है सर। बाकी जो सॉफ्टवेयर है ना मार्केट में सर, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है जो डायरेक्टली गूगल के ऊपर से डायरेक्टली डिजाइन करके ही फाइनली दे देते हैं, ठीक है बेसिकली। बट वो जब सॉफ्टवेयर की बात आएगी तो क्या वो डिजाइनर नहीं रखेगा, वो ऑनर खुद ही कर लेगा, वो दे डोंट वॉन्ट डिजाइनर बेसिकली। तो हम यहाँ पर डिजाइनर कम्युनिटी को निकालना नहीं चाहते कोई भी कंपनी के अंदर, क्योंकि डिजाइनर का जो कम्युनिटी है उसका एक बहुत बड़ा रोल है सर कोई भी इंडस्ट्री बहुत के अंदर, बड़ा, ठीक बहुत बड़ा, है। डेफिनेटली। तो वो तभी बरकरार रहेगा जब आप टेक्निकल नॉलेज दोगे कोई भी कंपनी को, कि ये सॉफ्टवेयर का ये प्रोजेक्ट आप डिजाइन करोगे तो ये इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये जो राइट। नॉलेज है वो हम ये सॉफ्टवेयर के थ्रू देना चाहते हैं, वो अगर आप ये सॉफ्टवेयर सीखते हो बेसिकली, ठीक है। और होपफुली मैं तो यही चाहूंगा कि अमिया जी आप ये सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग स्टार्ट करो इन द फ्यूचर बेसिकली, और अच्छे अच्छे डिजाइनर लेके आओ सर। आई हैव मोर देन रिक्वायरमेंट, मैंने बोला कि सर अभी मेरे पास इन प्रेजेंट 200 से 300 इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है अलग अलग स्टेट में सर। आप सिर्फ बोलो पॉइंट, कि यहाँ पर मेरे पास इंजीनियर रेडी है, आई कैन प्लेस देम सर, वेरी सिंपल। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इवन मैं जैसे अभी आपसे बात करके मुझे भी कॉन्फिडेंस लगा और मुझे भी लगा कि मैं भी थोड़ा बहुत इसमें लर्निंग ले सकता हूँ। और डेफिनेटली सर, मैं डेफिनेटली, अगर मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं इसको सीख सकता हूँ, इवन मैं अपना डिजाइन कर सकता हूँ इसमें, देन आई विल डेफिनेटली स्टार्ट गिव ट्रेनिंग ऑन दिस। क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में तो मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मुझे सिखाना पसंद है और मुझे बेसिक सॉफ्टवेयर्स तो आते ही हैं जैसे बाकी जो भी सॉफ्टवेयर्स है। तो मैं चाहूंगा हमेशा मेरे कोई भी नया सॉफ्टवेयर जो मेरे पास आता है वो मेरे लिए बहुत बहुत यूजफुल होता है और मुझे बहुत कुछ लर्निंग मिलता है, एक्सटर्नल लर्निंग मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि आपके साथ मैं ये पूरा ट्रेनिंग सीखूं, मतलब मैं पहले आपसे सीखूंगा,
उसके बाद आगे जाके हम इसका प्रॉपर ट्रेनिंग बनाएंगे। एंड और जो भी लोग आज के ये पॉडकास्ट देख रहे हो, मैं सबको बोलूंगा कि आप लोगों को अगर कहीं पे लगता है कि आपको एक कंबाइंड सॉफ्टवेयर का जरूरत है, आपको डिजाइन टीम का टाइमलाइन को रिड्यूस करना है, तो आप कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपको सारे सॉल्यूशन एक ही साथ दे रहा है, एक ही प्लेटफॉर्म में दे रहा है, और आई थिंक द लाइसेंस फी इज वेरी लेस रादर देन यस कंपेयरिंग ऑल द थ्री सॉफ्टवेयर। मैं तो ये वाला पॉइंट एक हाईलाइट करना चाहता हूँ सर। जैसे जनरली कोई भी कंपनी होती है, समझो ऑटोकैड, स्केचअप और पिंक्सिस, तीन लाइसेंस आपको कंपलसरी लेने पड़ते हैं। चलो एक्सेल का नहीं लेगा, वो हम मान लेते हैं। तो ऑटोकैड का सर आप मोटा मोटा 25,000 प्लस जीएसटी, मतलब 30,000 रुपये गिन लो। स्केचअप का सर 30,000 रुपये गिन लो आप, और पीवीसी का 50,000 रुपये गिन लो। ठीक है, तो कोई भी कंपनी को, और ये सभी सॉफ्टवेयर ईयरली लाइसेंस आते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख रुपीज बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर का फीस लग जाता है, ठीक है। और ये जो सोलारियस पीवी सॉफ्टवेयर है सर, वो 40,000 इन 40,000 रुपए वी आर गिविंग विद द ट्रेनिंग। वो इंजीनियर को सिखाते भी है, और बाय सॉफ्टवेयर भी हम लाइसेंस कॉस्ट भी उसके साथ इंक्लूडेड है बेसिकली, ठीक है। ओके ओके तो ये कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही है, उसके अलावा अलग अलग इंजीनियर रखने की जरूरत नहीं है। एक ही इंजीनियर शुड लर्न दिस सॉफ्टवेयर, और वो पूरा प्रोजेक्ट सिंगल हैंडेडली मैनेज कर सकता है। तो वहां पर कोई करेक्ट कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होता है, क्योंकि जब आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वहां पर कम्युनिकेशन गैप आ जाता गॉट योर पॉइंट। है। दैट इज द एडवांटेज। दैट्स ग्रेट सर। मुझे भी लगता है कि आगे जाके ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और हम लोग डेफिनेटली वैसे भी जहां पे रिक्वायरमेंट है पीवीसीज का वहां पे तो पीवीसीज देना ही है, बट जहां पे हम बेसिक छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं वहां पे अगर हम एक सॉफ्टवेयर में सारा चीजें कर पाए तो मुझे लगता है वो बेटर सोल्यूशन है एज पर द इंडस्ट्री एंड एज पर द डिलीवरी टाइमलाइन की अगर हम बात करें, क्योंकि बीइंग अ डिजाइनर आई नो दैट हाउ टफ टू डिजाइन अकॉर्डिंग टू द करेंट टाइम रिक्वायरमेंट। मतलब बहुत टफ होता है, क्लाइंट बोलता है कि आज ही डेटा दिया, उनको चाहिए भाई आज ही चाहिए मुझे 1 मेगावाट का साइकिल। सबको अर्जेंट चाहिए सर अभी के लेवल में, अभी के टाइम में क्या किसी के पास पेशेंस लेवल नहीं है, ठीक है। नहीं है, हाँ दैट्स नहीं, दैट्स द अमेजिंग पार्ट, अभी अभी दिया अभी अभी चाहिए चाहिए। अभी बट वो तो इंजीनियर ज्यादा इंजीनियरिंग में तो यार इंजीनियर को अपना कैलकुलेशन अपना डिजाइन करने के लिए तो कुछ टाइम चाहिए होगा ना, तभी एक्जेक्टली जाके तो वो वो कुछ प्रोजेक्ट टाइम स्टैंड लगता है मुझे। करेगा। तो सो सो यही है दैट्स सर, यही दैट्स अ है मेन ग्रेट चीज। थिंग, दैट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। एंड मैं आप सबको, मतलब आप हमारे सबके तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए, और हम नेक्स्ट एक सेशन करेंगे आपके साथ जहाँ पे हम एक पूरा डिटेल डिजाइन आपसे सीखेंगे, और वही चीज मैं अपने चैनल पे भी छोड़ने वाला हूँ। तो जो लोग सोलेरियस के बारे में अभी भी नहीं जानते हैं तो जरूर हॉराइजन का चैनल आप फॉलो कर लीजिएगा, और बाकी राजेश जी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं वहां पे भी दे दूंगा, और आप लोग हमसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी सॉफ्टवेयर लाइसेंस। हम राजेश जी के साथ जुड़े हुए हैं तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस में आपको हम मदद भी कर पाएंगे। यस सर। ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल योर ऑडियंस सर, लाइक आई एम जस्ट कनेक्टेड विद मिस्टर रम्या सिंस लास्ट 5 to 6 years बेसिकली। आई हैव बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, लाइक मैंने उनके साथ जो भी काम किया है आज तक, बहुत मजा आया है उनको बेसिकली काम करने में। और अमिया जी इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन इन टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, लाइक सोलर इंडस्ट्री बेसिकली। और उनका जो लर्न ट्रेनिंग स्किल है वो अब सही तरीके से अभी यूटिलाइज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अगर मेरे को कांटेक्ट ना करो कोई बात नहीं, आपको कोई भी लाइसेंस चाहिए या सॉफ्टवेयर चाहिए, यू कैन कांटेक्ट डायरेक्टली विद अमिया सर। हाँ आप ऐसा ही डेफिनेटली, बोल दो, पार्टनर है, आई कैन डायरेक्टली कांटेक्ट देम एंड डेफिनेटली वी कैन वर्क ऑन दैट सर। हाँ, हम लोग और बहुत सालों से कनेक्टेड है, वी आर यस कलीग्स एंड ऑल्सो हम अच्छे से कनेक्टेड है, तो आपको कभी भी डेफिनेटली सॉफ्टवेयर वगैरह का कुछ भी जरूरत है किसी को भी, तो वो जरूर मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप राजेश जी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, और डेफिनेटली लोग मुझे जानते हो तो आप मेरा रेफरेंस ले सकते हो। एंड हम लोग तो पहले भी, मेरे पास जो भी कैंडिडेट्स आते हैं मैं राजेश जी को ऑलरेडी दे देता हूँ कांटेक्ट, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी सपोर्ट चाहिए यू कैन डायरेक्टली टॉक टू अस, ठीक है। तो ओके आई थिंक हम लोग यहाँ पे इसको खत्म कर सकते हैं विद अ गुड नोट, कि हम फिर से एक ट्रेनिंग सीरीज बनाएंगे इसके ऊपर, एंड यस सर। मेनी मेनी थैंक्स, आप अपना टाइम हमारे लिए निकाले, थैंक यू। या थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम अमिया जी टू लाइक टेक दिस सेशंस।
And please, everybody, subscribe the Amir sir channel. Basically, all about solar. Basically, okay. Thank So, you. thank you, and let's meet again, sir. Hope for you. Sure. Thank you. Thank you, everyone, for joining the podcast, and we'll see you soon in the next session. Thank you.